यूं तो उत्तराखंड को देवताओं का स्थल कहा जाता है। यहाँ ऐसे ऐसे रहस्य आपको मिलेंगे कि आप खुद ही हैरान हो जाएंगे। हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड के पौड़ी में स्थित थलीसैंण ब्लॉक के एक गांव पैठाणी का धार्मिक महत्व देश के और धार्मिक स्थानों से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ केवल देवता ही नहीं बल्कि दानव की पूजा की जाती है। ये थोड़ा अजीब जरूर है, लेकिन कहते हैं कि आस्था और विश्वास में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। यही कारण है कि पैठाणी के मंदिर में सदियों से दानों की पूजा होती आ रही है। पूरे भारतवर्ष में यहाँ राहु का एकमात्र प्राचीनतम मंदिर स्थापित है। यह मंदिर पूर्वी और पश्चिमी नयार नदियों के संगम पर स्थापित है। उत्तराखंड के कोटद्वार से लगभग 150 किलोमीटर दूर थलीसैंण ब्लॉक के पैठाणी गांव में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन के दौरान राहु ने देवताओं का रूप रखकर छल से अमृत पान किया था, तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया था। भगवान विष्णु ने ऐसा इसलिए किया ताकि वो अमर न हो जाए। कहते हैं कि राहु का कटा सिर इसी स्थान पर गिरा था। जनश्रुति है कि जहां पर राहु का कटा हुआ सिर गिरा था, वहां पर एक मंदिर का निर्माण किया गया और भगवान शिव के साथ राहु की प्रतिमा की स्थापना की गई और इस प्रकार देवताओं के साथ यहां दानों की पूजा होने लगी। वर्तमान में यह राहु मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। धड़ विहीन की राहु की मूर्ति वाला यह मंदिर देखने से काफी प्राचीन प्रतीत होता है। इसकी प्राचीन शिल्प कला अनोखी और आकर्षक है। पश्चिमुखी इस प्राचीन मंदिर के बारे में यहाँ के लोगों का मानना है कि राहु की दशा की शांति और भगवान शिव की आराधना के लिए ये मंदिर पूरी दुनिया में सबसे उपयुक्त स्थान है। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।